जो है ये पांच फंदे ये घटाए थे, पांच दो एक, और इधर से भी हमने पांच दो एक घटाई है। फिर हर सीधी सिलाई में ये एक फंदे ये घटाते गए हैं, इतना बुन लिया है हमने। और यहाँ ऊपर हमने इसमें 46 फंदे रखे हुए हैं, अभी से हम घटाएंगे। ये बाजू हमारी हो गई है, ये दो फंदे बुने, फिर दूसरा फंदा जो है एक इसके ऊपर से उतार लें, फिर इसको इसके ऊपर से उतारें। इसी तरह ही एक एक करके सारे फंदे ये बंद कर लें। और ढीले हाथ से बंद करें ये फंदे, ये टाइट नहीं होने चाहिए। ये हमने हम एक एक करके फंदे कटा रही हैं इसके। ये हमारी बाजू, ये फंदे हमने पूरे कर लिए हैं। ये हो गई है, ये इस तरह ये हमारी बाजू बन गई है यहां से। ये ब्लाउज, ये बाजू हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसे सिल इसमें बाजू पल्ले मतलब ब्लाउज में लग सिलेंगे। बाजू को ये देखिए, हमने ये ऊपर का हिस्सा जो ये घटाया था, इन्हें दोनों को मिला लें इस तरह पहले, और यहां से मिलाए, और इसका जो ये कोना है यहां से कोना ले, और इस कोने से यहाँ पे करके इसमें पिन लगा दें। तो पिन लगाने से ये होता ये रहता है कि इसमें हम यहां से बाजू सिलेंगे तो पूरी गोलाई में बैठ जाएगी। ये यहां से हमने फंदे घटाए थे, ये यहाँ और ये वाले बाजू के फंदे, यहां से ये बाजू को सिलते जाना है इस तरह, ये पास पास। इस तरह सिले,
को बास बास में करके सिलना है इसे। ये हमने एक तरफ को सिल दिया, अभी इसे पिन को निकाल दें। यहाँ दूसरी तरफ, यहाँ दूसरी तरफ तो करें। पिन लगाने से ये हो जाता है कि पूरी बाजू नापा सही बैठ जाता है। ये से यहाँ तक सिलना है, जहाँ तक ये हमने फंदे कटाए हुए थे। ये हमारी बाजू ये हो गई है, अब हम यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे इसे, जितना हमने सिल लिया है।
ये जो वो नटक रही है इसे यहाँ इसी के साथ चल दें। ये हमारी बाजू तो पूरा लग गई है और स्वेटर हमारा सिल गया है पूरा। ये हमारा चोली वाला ब्लाउज, चोली कट ब्लाउज ये तैयार हो गया है।